एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आ चुकी हूँ त्रिपुरा प्रॉपरली। है आशी, तो पापा मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं, पर मैं अभी सिर्फ रेडी हुई हूँ। मेरा पहला दिन का यूनिवर्सिटी का क्लास है, तो अभी जाऊँगी। मुझे भाई लेके जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ का कुछ पता नहीं है मुझे, तो अभी चलते हैं ना। तो खाना खा लूँ वरना मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो खाना खाने के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं बैग से लेके रेडी हो चुकी हूँ, खाना भी खा लिया, अभी भाई इधर रेडी हो रहे हैं, तो अभी चलती हूँ ताकि रास्ते में बात करते हैं। तो बाय। सो यहाँ पे हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी के फ्रंट में, और यहाँ पे हमें करवाना था कुछ पेपर प्रिंट, तो हो मैंने और भैया ने करवा लिया। और बहुत सारे स्टूडेंट थे सामने, हम थे मैं यहाँ पे सब ऑफिस की बहाना देखी हुई कैमरे को अपने मुँह पे पकड़ लिया। और उसके बाद कॉलेज का गेट तो मैं कोई भी क्लिक ले नहीं पाई, बट उसके बाद जब बाहर जाने का रास्ता था थोड़ा सा ले लिया। उसके बाद सारे काम हो जाने के बाद मैंने कर ली बूमरैंग और कुछ फ़ोटोज़, और यहाँ पे भैया के साथ बैक टू होम। एक्चुअली नहीं, भैया को रास्ते में कुछ काम था, उसको करंट का बिल देना था, फिर उसने बिल भी भर दिया और हम चले गए थे उसके कॉलेज के पास, जहाँ पे भैया ने खिलाया मुझे ठंडा ठंडा एकदम आराम वाली शरबत और कुछ चना खिलाया, विच इज़ प्राइसलेस फॉर मी। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हाँ खुशी कितना था, नाम तो चेक कर वो। और यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, तो देख के पता चल गया कि बहुत अच्छा है। उसके बाद घर, यहाँ पे हमारी जो छोटी बहन है तो सबसे ज्यादा मतलब चिल्लाती वो ही है। तो हम आ चुके थे, आने के बाद खाना भी खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। काका भी आ गए, पापा भी आ गए। तभी मैं दिखाती हूँ वो क्या करती है, ठीक है? सारे घर में सारे मतलब हमारे जो लोग हैं सबको नचाती है ये लड़की। तो यार लेट मी शो यू। सो मैंने बोला था कि हम बाहर जाएंगे, बोला था नहीं बोला था, तो अभी सुन लीजिए मैंने बोला था। मैं कह रही हूँ अभी हम बाहर जा रहे हैं, भैया ऑलरेडी बाइक लेके रेडी है, इधर मेरी बहन देखो चाय पी रही है पाकनी बूढ़े की तरह। एक्चुअली हमारी फैमिली में हम बहनें सब हम लोग चाय लवर्स है। इधर मेरे भैया आ रुक गए हैं, मुझे ना पीटेंगे अभी, ठीक है? तो मैं जूते पहन लेती हूँ और चलती हूँ, तो रास्ते में मिलते हैं। हेलो गाइस, मैं कब के आ चुकी थी अपनी बुआ के घर। ये है मेरी बुआ और ये मेरे पापा जी, सब लोग जो बंगाली हम इसे पिशी मुनी कहते हैं, और ये हमारे पिशी। पार्थ भैया लोग अभी निकल चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ, तो रास्ते में मिलते हैं। तो दोनों भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, चलो हाय। और पीछे पीछे की कौन सा पता, हाय हेलो एकदम पूरा। और ये है क्या किधर का नाम, रानी पुकुरी, रानी पुकुर पार्क, एंड हियर इज द मी। কোশিক তো ব্লগ বানাস না এখন বড় সুস্থ দেখা তখন এটা কিন্তু সত্যি রে, ছেলে মানুষ বড় হয়ে গেলে অনেক কিছু বাদ দিয়ে দেয়, আমরা কিছু বাদ দিতে পারি না। ভাইয়া লোকনে আমি ইতনা প্যাডেল চালোয় না, মুঝে না পুরা পাসিনা পাসিনা আমার স্মেল উড়ায়, আমি যা রে সিধা ঘর সিধা ঘর। ইধর এক ভাইয়া থা যে ব্লগার থা, আমি নেই হ্যাঁ, তো ইয়া আমি চলতে ঘর। তো ইতনা গরমি লাগ রই হ্যা না, কুছ বলনে কি হালত মে তো হ্যা হু নেই, তো চলো ঘর চেকে বাত করতে। हम आ चुके हैं घर, अभी पी लिया स्ट्रिंग। इधर देखो हमारा ये मतलब यंगेस्ट वन, और यहाँ पे है हमारा ओल्डेस्ट वन जो स्ट्रिंग, और ये इनके लिए मेरा अगरतला में आना हुआ, ठीक है? हम आई को तुम आई को आई दो तो गाइस, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ब्लॉग एंड करने वाली थी, पर यहाँ पे हमारी एक महाशया मुझे मिल गई, तो सारा दिन मेरे साथ रहता है मोबाइल के लिए और कुछ नहीं चाहिए इसको। को बंद भी ललिता को मा, मा, मा। ओ, इसको भी माँ जाना है,
पर उसने क्या क्या किया अभी मैं आप लोगों को क्लिप ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना, पर उससे अभी मोबाइल देख रहे हैं। तो ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। तो या लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लव यू ऑल एंड मामा सो बाय।